देश के महान क्रांतिकारी साहित्यकारों में से एक यशपाल की जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा नाहन में दो दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ उपायुक्त आर के गौतम ने किया। इस समारोह में नाटक मंचन और कविता पाठ सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि यशपाल एक महान क्रांतिकारी साहित्यकार थे और नई पीढ़ी को उनके साहित्य से जोड़ने का भाषा विभाग का ये प्रयास सराहनीय है। यशपाल जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनका साहित्य आज की तारीख भी अगर हम पढ़ें तो भी हमें जो जीवन के जो हमारे कई ऐसे सामाजिक जो हमारे जीवन के और सामाजिक जैसी समस्याएं रहती हैं उनके ऊपर भी दिशा दर्शन का जो कार्य करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में हालांकि साहित्य के बहुत बड़ा कार्य हो रहा है लेकिन उसका जो एक क्वालिटी है, उसका जो एक मूल्य है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम सामाजिक हमारी चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे उभरने को कैसे करें, उसका उभरने का जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनसे कैसे बाहर निकलें, नैतिकता का जहाँ पतन हो रहा है उससे कैसे बाहर निकलें, उसके ऊपर हम कम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की सहायक निदेशक अलका कैंथला ने इस मौके पर कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस समारोह में विभिन्न जिलों से साहित्यकार, कवि और कलाकार भाग ले रहे हैं। जो हमारी प्रदेश की विभूतियां हैं उनके दिवस और जयंतियाँ हम हर अवसर पर मनाएं, यही विभाग का मेन मकसद है। और इसी कड़ी में आज हम नाहन में डाइट में राज्य स्तरीय यशपाल जयंती का आयोजन करवा रहे हैं और जिसके प्रथम दिन एक यशपाल जी की कहानी पर आधारित नाटक अखबार में नाम का मंचन किया गया। और इसके बाद अब हम कवि सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं जिसमें प्रदेश के लगभग 40 कवि इस कविता पाठ में भाग लेंगे और यशपाल जी की जो रचनाएँ हैं उन पर भी प्रकाश डालने का वो प्रयास करेंगे।